देखिए, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए एफर्ट तब होना चाहिए जब से पॉल्यूशन के बढ़ने के खतरे बढ़ते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के जो मंत्री, कल मैं देख रहा था बयान, के दिल्ली सरकार के, आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री ने किया अधिकारियों के साथ मीटिंग, क्योंकि AQI चला गया 500 के ऊपर। अब मुझे हंसी आ रही है कि जिस दिन 500 के ऊपर चला गया, आप कौन सी मीटिंग करके कौन सा रास्ता निकालेंगे? ये इस तरह से सिर्फ चेहरा छुपाने की कोशिश, लोगों को, मीडिया को ये दिखाने की कोशिश कि देखो देखो हम कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है। आज दिल्ली के लोगों की सांसें घुटन की स्थिति में है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी दिल्ली में नहीं हैं, वो चुनावी दौरे कर रहे हैं। एक प्रकार की आपदा है ये स्थिति। सारे चैनल्स खोलिए, अखबार खोलिए, लोग जाइए, गली में जाइए, सब बच्चे हैं, सभी परेशान हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये भी कह दिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद निकल गए एक बार फिर से तारीख दे करके। तो इस समय दिल्ली में दिल्ली के लोग बहुत ही तकलीफ़ में हैं, और वो पछता रहे हैं कि हमने कैसे अरविंद केजरीवाल जैसे का चुनाव कर लिया, व्यक्ति का जो दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के जरा सा भी गंभीरता नहीं हुई। से दिल्ली की ही नहीं बात, अगर पंजाब में जिस तरीके से स्टबल बर्निंग हो रही है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो ले ही रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया, हाँ जी मेरी जिम्मेदारी है, मगर अब नहीं कर, एक साल बाद करेंगे। तो एक जो हर एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये जो उनके डायलॉग्स आते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, अब उसको सुन करके ऐसा लगता है मैं किसी मुख्यमंत्री को सुन रहा हूँ या किसी कॉमेडी सर्कस के किसी कलाकार को सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों के सांसों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है, दिल्ली के बच्चों के सुरक्षा की चिंता अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है। अब आज की डेट में अगर हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल जी जो बहुत मीठी मीठी बातें और अच्छे अच्छे लोक लुभावन वादे लेके आए थे, आज वो दिल्ली के लिए अभिशाप बन गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कितनी भी कोशिश कर लें, अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब दिल्ली की जनता भी संज्ञान लेगी। माननीय NGT और माननीय कोर्ट संज्ञान ले ही रही है, लेकिन अब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने शहर को, अपने राज्य को प्रदूषण के इस दलदल में ढकेल देना, ये मात्र शासन की असफलता नहीं, ये एक अपराध है, और इस अपराध का सजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और दिल्ली में भी चुनाव है, तो MCD के जो चुनाव है, तो अब क्या लगता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पॉल्यूशन पर सोल्यूशन कब? जनता तो यही जानना चाह रही है, क्योंकि ओवरऑल तो जनता सफर कर रही है। पॉल्यूशन पे रियल सोल्यूशन निकालना हो तो जैसे ही, मतलब ये इस समय के, आज के 3 महीना पहले सांसदों के साथ मीटिंग हो। हमारे पास कई सॉल्यूशंस हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, हम मीडिया से शेयर कर रहे हैं। अगर आज हरियाणा ने अपने पराली को लगभग 85% या तो खरीद लिया या उसको किसी और उपयोग में लाने लगे जिससे किसान को भी फायदा हो रहा है, तो हरियाणा में पराली जलना कम हुआ। आज पंजाब में आप देखिए, अभी जो रिपोर्ट हमारे पर्यावरण मंत्री ने दी है कि अगर 4,000 जगह पे पराली जल रही है, तो उसमें लगभग 3,300 जगह पे पंजाब में जल रही है। अब इसके लिए अगर भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के किसान को दोष देंगे, तो मैं समझता हूँ ये फिर अपनी असफलता छुपाने की कोशिश करेंगे। किसान क्या करेगा? मैं समझता हूँ कि जब तक पंजाब के किसानों से भी और हर किसान से वो पराली जो डंठल है फसल कटने के बाद नहीं खरीदेंगे, तो उससे जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और किसान की मजबूरी को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि उसकी पराली खरीदी जाए, इस प्रकार से उसकी आय भी बढ़े और देश के बाकी NCR दिल्ली के लोगों की सांसों को आराम भी मिले।
मधुसूदन गढ़वी का क्या कहेंगे? हर पार्टी करती है, हर पार्टी अपने स्ट्रेटजी में जाती है। चुनाव लड़ना कुछ ऐसा आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली को रुलाया है, जैसे आज पंजाब रो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में या हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल पाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार प्रॉमिसेस भी जनता से कर रही है, जिस तरीके से दिल्ली की जनता को तमाम फ्री सुविधाएं दी गई है, वो सुविधाएं वहां भी दी जाएंगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं गुजरात में? दिल्ली को भी वादा किया था, वादा करने में थोड़ी आम आदमी पार्टी पीछे है। दिल्ली के वादे को देखें तो अब से 4 साल पहले यमुना जी एकदम डुबकी लगाने लायक हो गई होती, और उनका वादा रहे तो दिल्ली में पोल्यूशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अगर उनकी वादा को सुने तो यमुना पे छठ हो रहा होता, अगर उनके वादा को सुने तो फ्लड के सारे नाले एकदम साफ होते। लेकिन सच्चाई ये नहीं, बिल्कुल उलट है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, अगर उसको उठाने वाले अरविंद केजरीवाल थे, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के पतन के कारण भी अरविंद केजरीवाल जी ही बन रहे हैं।